औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ बहुत ही खास और मुख्तसर सा वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा किसी भी किस्म की मुश्किलात से, मसाइल से, मुसीबतों से निजात पाने के लिए बहुत ही खास और मजारी वजीफा है। हाथी जितनी मुसीबतें हो और चूंटी जितना वजीफा हो, यानी कि आपकी हाथी जितनी मुसीबतें हो, मुश्किलात हो, परेशानियां हो, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ही छोटा सा वजीफा आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मुजरिब है। ये अल्लाह के एक सिफाती नाम का वजीफा है, इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को हर किस्म की मुश्किलात से, मसाइल से, मुसीबतों से, परेशानियों से निजात पाने के लिए लाजिम करें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप पर जरूर मेहरबान होगा। आज का वजीफा उन तमाम लोगों के लिए है जो कि मुश्किलात की वजह से दो चार हैं और वो इन मुश्किलात की वजह से दो चार हैं और वो चाहते हैं कि इनकी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएं, कभी भी इनकी जिंदगी में कोई भी मसला ना हो, कोई भी मुसीबत ना हो और वो खुशहाल जिंदगी गुजारे, खुशियों भरी जिंदगी गुजारे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाल्लाह उनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां, तकालीफ खत्म हो जाएंगी। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बगैर हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। जजाकल्ला। वजीफा करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने इस वजीफे को किस वक्त करना है, किस तरीकाकार से करना है, ये भी ध्यान से सुन लें। सामईन, आपने नमाज फजर अदा करने के बाद उसी जगह जाए नमाज पर बैठ जाना है और 100 मरतबा अल्लाह के इस सिफाती नाम का विर्द करना है। अल्लाह का ये सिफाती नाम क्या है, ये भी ध्यान से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सबूरु, या सबूरु अल्लाह का एक सिफाती नाम है। आपने अल्लाह के इस सिफाती नाम का 100 मरतबा नमाज फजर के बाद विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक को लाजिम पढ़ना है और अपनी मुश्किल को, अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को, अपने मसाइल को अपने जहन में रख कर फिर ही आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है और नमाज फजर के बाद करना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से, इस सिफाती नाम की बरकत से आपकी हर किस्म की परेशानी, मुसीबत, तकालीफ दूर हो जाएंगी। जब ये अमल कर लेना है तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला से हसूसी दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात को, मसाइल को, मुसीबतों को दूर फरमा। हम इन तमाम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, हम में इतनी सकत नहीं कि हम इन तमाम हालात का मुकाबला करें। इन तमाम परेशानियों से हमें निजात दे, हमारी तमाम मुसीबतें खत्म फरमा, हमारे तमाम मसाइल दूर फरमा और हम पर अपना हसूसी नजरो करम अता फरमा और हमारे हालात को दुरुस्त बना। इसी तरह आपने अपने अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो सामने ये थी अल्लाह के एक सिफाती नाम या सबूरू को पढ़ने की फजीलत बरकत और एक मुख्तसर सा वजीफा जो कि तमाम मुश्किलात को खत्म करने के लिए बहुत ही आसान और मुजरब अमल है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप पर जरूर मेहरबान होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इन तमाम बातों की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम अहम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंचगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरातल मुस्तकीम के रस्ते पर चलने की
की तौफीक दे, आमीन। आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सदके की नियत से अपने प्यारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी लाजिम कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।